मुझसे बदतमीजी करने की कोशिश मत करना, वरना मैं तुम्हारा मुंह नोच लूंगी। खबरदार जो तुमने मुझसे बदतमीजी की। याद रखना कि मैं एमल नहीं हूँ जो हर चीज बर्दाश्त कर लूंगी। कैसी लग रही हूँ मैं? तुम हमेशा की तरह प्यारी। हाँ तो बुरा लगना चाहिए मुझे? नहीं। अच्छा वैसे हम कहाँ जा रहे हैं? बाहर कहीं जा रहे हो तुम लोग? जी अम्मी, वो फरिया बोर हो रही थी तो हमने सोचा थोड़ी देर बाहर घूम के आ जाए। क्यों, बोर किस लिए भाई? तू आंटी इस घर में एंजॉय करने के लिए है भी क्या? तो ये तो तुम्हें शादी करने से पहले सोचना चाहिए था ना। अम्मा आप ना खाना अपने लिए बनाइएगा, सिर्फ हम लोग बाहर से खा के आएंगे। अपने लिए भी क्यों बनाऊं, जो घर में पड़ा हुआ है ना वही जहर मार करके खा लूंगी। जाओ तुम लोग। अरे अम्मा आपके लिए भी ले आऊंगा। कोई जरूरत नहीं इतने पैसे लुटाने की, बचा कर रखो। ससुराल से तो कुछ मिला नहीं, अब मुझे खुद को ही कुछ करना पड़ेगा। तो क्या आंटी आपने पहले से ही सोच के रखा था कि शादी के बाद फहद के ससुराल वाले आपका घर भर देंगे? फालतू में मेरे मुंह ना लगना तुम, समझाओ इसे फहद। अम्मा अगर आपको बुरा लग रहा है तो हम नहीं जाते। हाँ मेरे मना करने से जैसे तुम्हारी बीवी रुक जाएगी। जाओ तुम लोग। इस घर में प्रॉब्लम क्या है? कितनी अजीब है तुम्हारी अम्मी। अरे तुम क्यों टेंशन ले रही हो, सब ठीक हो जाएगा। जस्ट लुक एट यू, कितनी प्यारी लग रही हो तुम। आओ चलें। अल्लाह करे सब कुछ पहले जैसा हो जाए, एमल अपने घर चली जाए। ना जाने क्यों मुझे अजीब अजीब से ख्याल आ रहे हैं। मैंने तुम्हें कहा ना कि उसे खुद फैसला करने दो। शरिया ने उसके यकीन को बहुत बड़ा धचका दिया है और उस यकीन को दोबारा जुड़ने में वक्त लगेगा। वक्त दोस्त है। औरत को ही समझौता करना पड़ता है अपना घर बसाने के लिए। अजीब मंतक है कि औरत जो है वो घर बनाती भी है और उसको कायम रखना भी उसी की जिम्मेदारी है। अगर है तो इतनी छोटी सी बात का बतंगड़ बनाकर औरत को क्या बेघर कर देना चाहिए? बाबा आपने मुझसे पूछे बगैर शहरयार को मुझे ले जाने की इजाजत कैसे दे दी? बेटा वो बहुत इल्तिजा कर रहा था। अगर वो अपनी गलती की माफी मांग रहा है तो उसे क्यों नहीं माफ कर देती? क्यों अकड़ के बैठी हुई हो? और एनी भी तुम्हें समझाने के लिए कॉल कर रही थी लेकिन तुमने उसका भी फोन नहीं उठाया। अम्मी आप एनी से कहें कि मेरे मामले से दूर ही रहे, और ये सब कुछ ना उसी का किया धरा है, और अब सबकी नजरों में अच्छा बनने के लिए वो ये सब कुछ करना चाहती है। और आपको क्या मालूम मम्मी कि मैंने वहां क्या कुछ नहीं सहा है? आपको नहीं लगता कि मैंने अपना घर बचाने की कोशिश की है? लेकिन उस वक्त तो शहरयार अपनी मम्मी की बातों में आकर बहुत ज्यादा ही अकड़ रहे थे ना, दूसरी शादी का भूत सवार हो गया था उनके सर पर। अब जब वो खुद क्या, अब क्या हो गया? कुछ नहीं, मैं शहरयार को कभी माफ नहीं कर सकती। उनके या आप लोगों की जबरदस्ती करने पर भी अगर मैं वहां चली गई ना तो मेरे दिल में शहरयार के लिए कोई गुंजाइश नहीं है और ना ही उनकी फैमिली के लिए। ऐसा क्या हो गया इस लड़की को, क्यों इसने जिद पकड़ ली है? और देखा आपने कि फैसला खुद किया है इसने। खाला देख रही हैं आप, 9 बजने वाले और शहरयार का कोई अता पता नहीं है। तो मैं क्या करूं, इन सब की हाजिरियां लगाती फिरूं? बेजार करके रख दिया है मुझे इन सब ने। अरे भाई कोई कहने में ही नहीं है मेरे। हाय लापाजी, मैं तो देख देख कर हैरान रह गई हूं। एक वक्त था आपका इस घर में क्या जोर था,
आपकी मर्जी के बगैर कोई काम नहीं हो सकता था। और अब तो कोई आपको पूछता ही नहीं है, सब कुछ आपके हाथों से निकलता जा रहा है और तुम्हें बोलने का मौका मिल रहा है ना। अरे नहीं बाजी, मैं तो आपकी वजह से बोल रही हूँ। आपको इस तरह देख के ना बहुत अफसोस होता है। किस लिए अफसोस होता है मुझे देखकर? हाथ पांव टूट गए मेरे या फिर मेरे दिमाग ने काम करना छोड़ दिया? तुम बताओ कहना क्या चाह रही हो? अरे अल्लाह ना करे बाजी, कैसी बातें कर रही हैं आप? अल्लाह आपको हमेशा सेहतमंद रखे, चलता फिरता रखे। मैं तो कुछ और कह रही थी। ओफो अम्मी, क्या जरूरत है ऐसी बातें करने की? आपकी ऐसी बातों पर खाला को गुस्सा तो आएगा ही ना। अरे मैं तो दुआ कर रही थी इनके लिए। एक मैं ही तो हूँ इस घर में जो इनके लिए दुआगो हूँ, खैर ख्वाह हूँ इनकी। और हाँ, तुम भी तो हो। खाला, शहरयार आए ना तो आप उसे जरूर पूछिएगा कि रात रात भर वो कहाँ रहता है। आप लोग तो देखिए ऑफिस से आ गए हैं, लेकिन उसका कुछ अता पता ही नहीं है। अस्सलाम वालेकुम मम्मी। वालेकुम अस्सलाम। कहाँ रह गए थे तुम? मुझसे तो पहले निकले थे ऑफिस से। मम्मी मैं बहुत थक गया हूँ। I'll just go and rest। खाला, ये जरूर एमल से मिलने के लिए गए होंगे, मुझे इन पर पूरा शक है। हाँ मैं गया था उससे मिलने। तुम मुझे रोक सकती हो अपनी शरीफ बीवी को मिलने से? देखा देखा खाला, आपने अपने मुंह से एतराफ कर रहे हैं ये कि एमल से मिलने के लिए गए थे, यानी कि मेरा शक बिल्कुल ठीक था। शहरयार, अब ये कौन सा नया तमाशा है भाई? एमल को छोड़ने के बाद फिर क्यों गए थे उससे मिलने? मम्मी मैंने उसे छोड़ा नहीं है, वो अभी भी बीवी है मेरी, और ये बात कोई ना भूले। हाय अल्लाह, इस डायन ने फिर सर उठाना शुरू कर दिया। बाजी बाजी, मेरी बेटी की तो जिंदगी तबाह हो गई। आपने तो कहा था कि शहरयार एमल से अब कोई ताल्लुक नहीं रखेगा। अरे भाई दुर्दाना, तुम तो शिकायतें करनी बंद करो। मैं बात करूंगी उससे, जरूर कोई बात हुई होगी एमल से। मुझे तो लगता है एमल ने प्रेशराइज किया होगा इसे। खाला क्यों सबक नहीं सिखाती है उसे? करवाएं ना तलाक इन दोनों की, और मुझे पूरा यकीन है कि आप मेरे साथ कभी ये नाइंसाफी नहीं होने देंगी। देखा बाजी, मेरी बेटी आप पर कितना भरोसा करती है। आप ये अच्छा नहीं कर रही, बदगुमाने रिश्तों में दरारें डाल देती हैं। हाँ लेकिन हमारे दरमियान कोई रिश्ता बना ही कब था? क्यों नहीं आप दोनों के दरमियान में कोई रिश्ता? निकाह के रिश्ते में जुड़े हैं आप दोनों, मुझे तो लगा था कि आप उनकी तरफ पलट रही हैं। हाँ लेकिन शायद बहुत बड़ी बेवकूफी। वैसे आपने ऐसा क्या देख लिया जो आपका मूड इतना तब्दील हो गया? मुझे यकीन है उन्होंने कुछ गलत नहीं किया होगा। गलत तो सिर्फ मैं हूं ना। हो सकता है अफान साहब से कोई कुताही हुई हो। आप दोनों आमने सामने बैठे, जो भी मसला है उसको खत्म करें। हाँ लेकिन मुझे अब ऐसा कुछ नहीं करना है। अच्छा, यहाँ सोने की बजाय अपने कमरे में जाके सोएं आप, ये तो कर सकती हैं ना आप। वो मेरा नहीं बल्कि अफान का कमरा है। वो आप दोनों का कमरा है। अगर मियाँ बीवी को एक दूसरे से शिकायत हो तो एक साथ रहने से सब मसले खत्म हो जाते हैं। अगर आप अपना रूम अलग कर लेंगी तो ये सब मसले कैसे खत्म होंगे? हाँ लेकिन मैं यहाँ रहूँ या वहाँ, उसे तो कोई फर्क नहीं पड़ता। पड़ता है, अपनी जगह खाली करने की कभी गलती मत कीजिएगा। जो गलती मैं कर चुकी हूँ वो आप मत करें। इसीलिए मुझे तलाक दे दी उन्होंने। जो भी आपको शिकायत है वो कह दें उनसे, बात करने से मसलों का हल निकलता है। लेकिन फौजिया मैं एनी,
आप अगर मुझे अपनी बहन समझती हैं ना, तो आप जाके आराम करें, उमर को मेरे पास रहने दें। लगता उमर उठ गया है, मैं उसे देखती हूँ। मुझ पर शक कर रही हो? देखो अफ़ान, इस वक्त मैं तुमसे कोई बात नहीं करना चाहती। एनी, मैं तुम्हारा हूँ, सिर्फ और सिर्फ तुम्हारा। तुम इस बात को क्यों नहीं समझती? मैंने कहा ना कि तुम किससे मिलते हो किससे नहीं मिलते, मुझे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। अब एनी को तो मेरी नाराजगी से भी कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं उसकी जिंदगी में रहूं या ना रहूं, वो मेरे बगैर बहुत खुश रह सकती है। उसे कौन सी मोहब्बत है मुझसे? क्या वो सारी जिंदगी मेरे साथ ऐसे ही रहेगी, मुझसे दूर बेजार, और मैं यूं ही उसके पीछे भागता रहूंगा? क्या सोचेगा कि मैं खुद ही वापस आ गई? एक तो गलत ही उसी की, और झुकू भी मैं। नहीं एनी, तुम नहीं जाओगी वहां। अभी पलट कर वापस गई तो ये आयमा हजारों फसाने बनाएगी और उन सबको खुश होने का मौका मिल जाएगा। क्या करूं मैं? तो ऐसे रहा है जैसे कुछ किया ही नहीं है। किस तरह नजरअंदाज कर रही है मुझे, जैसे हमेशा से मुझसे मोहब्बत करती आई हो। ठीक है, अब मैं भी इसे नजरअंदाज करूंगा। इसे क्या लग रहा है कि मैं इसकी खुशामदे करूंगी? आ गई हूं, बस इतना काफी है। इसे कभी मेरी परवाह थी ही नहीं, फिर क्यों आएगी ये मेरे पास? आज तो फाइनली पहली दफा बहुत मजा आया। मम्मी जाग जाएंगी। क्या हो गया है, क्या मुसीबत है? इस घर में अपनी मर्जी से कुछ बोल भी नहीं सकते। अरे यार, मम्मी जाग जाएंगी ना तो मुश्किल पैदा हो जाएगी। फिक्र मत करो, वो अब तक सो चुकी होंगी। खुदा करे ऐसा ही हो। फाहर, ये वक्त है तुम लोगों के घर आने का। मम्मी सॉरी, देर हो गई।
दो दिन में ही इस लड़की के आते ही अपने घर के तौर तरीके भूल गए? आइंदा ख्याल रखेंगे। बाहर शहर के हालात मालूम है, चोर और डकैत दंदनाते फिर रहे हैं, और तुम अपनी बीवी के साथ सैर सपाटे करते फिर रहे हो। फहद, मैं अपने कमरे में जा रही हूँ, आप अम्मी से बात कर लें। देखा तुमने फहद, कैसी गज भर की लंबी जबान पाई है तुम्हारी बीवी ने। आप भी तो अम्मी आते ही शुरू हो गई, अभी नई नई शादी हुई है, क्या मैं उसको घर में कैद करके रख लूं? उसका लाइफस्टाइल डिफरेंट है। मुझसे ज्यादा मुंह मत लगाना, अलग लाइफस्टाइल। सॉरी अम्मी, लेकिन इस वक्त आप ज्यादती कर रही हैं। और मुझसे ज्यादा बहस ना करो फहद, जाके उसे समझा दो कि अपने आपे में रहे, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। समझा दो इसे अच्छी तरह फहद। जी अम्मी। आजकल के बच्चे किसी किस्म की कोई जिम्मेदारी का एहसास ही नहीं है। इतनी रात को कहां से आ रही हो? अरे तुम होती कौन हो मुझसे इतने सवाल पूछने वाली? मैं जहां जाऊं, जिसके साथ जाऊं, जिस टाइम जाऊं, मेरी मर्जी, और हटो मेरे रास्ते से। सुन के आ गए तुम अपनी अम्मी की बातें? अब क्या आपकी मामा हर छोटे से छोटी बात में दखल अंदाजी करेंगी? मेरी मामा ने तो कभी मुझसे इतने क्वेश्चंस नहीं किए, कहां जा रही हो, कब वापस आओगी। देखें, मुझे इस रवैये की बिल्कुल आदत नहीं है, और मैं ये बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करूंगी। अरे यार फरिया, वो सही तो कह रही है। तुम्हें नहीं पता इस इलाके में चोरी चकारी और ये स्नैचिंग काफी बढ़ गई है, तुम्हें रात में एहतियात करनी चाहिए। हाँ तो ये कहने का तरीका होता है, ये क्या मतलब हुआ कि सैर सपाटे कर आ गए अपनी बीवी के साथ? मैं बता रही हूँ फहद, अगर मेरी मामा इस रिश्ते से खुश नहीं है तो तुम्हारी मामा ने भी मुझे दिल से कबूल नहीं किया है। ऐसी बात नहीं है फरिया, उनका अंदाज ही ऐसा है। क्या वो ये तो नहीं सोच रही थी कि इतने बड़े घर की लड़की है, अपने साथ बहुत सारा जहेज लाएगी, बड़ी बड़ी गाड़ियां लाएगी, और जब मैं कुछ ना ला सकी तो उनके सारे अरमानों पे पानी फिर गया। फरिया, अब तुम मेरी अम्मा के बारे में कुछ ज्यादा ही बोल रही हो, आइंदा ख्याल रखना। ये फोन और वॉलेट तो रख दो। अच्छा, वो मुझे कहना था कि मेरी छुट्टियां खत्म हो गई हैं, तो आज से मैं दोबारा कॉलेज जाऊंगी। तो चली जाओ, मुझे क्यों बता रही हो?
अरे रुको रुको रुको, कहाँ जा रही हो? मैं कॉलेज जा रही हूँ, उमर को अम्मी के घर छोड़ती हुई जाऊंगी। बाजी से पूछा है या खुद ही मुंह उठाकर फैसला कर लिया? मैं अफ़ान से इजाजत ले चुकी हूँ और वो मेरे लिए काफी है। दिल करता है इस लड़की की जुबान खींच लूं मैं। अफ़ान अफ़ान करती रहती है, इसके अफ़ान को भी देख लूंगी। आज अम्मी और बाबा तुम लोग को लेके खुश हो जाएंगे। अच्छा सुनो, मैं वापसी में तुम दोनों को पिक कर लूंगी। जी। बस कुछ ही दिन रह गए, एग्जाम्स होंगे, उसके बाद पढ़ाई खत्म हो जाएगी, फिर उमर के लिए टाइम ही टाइम। और मैं अपनी तालीम भी अब इसीलिए पूरी करना चाहती हूँ कि कल को अगर जरूरत पड़े तो मैं अपनी और अपने बेटे की सारी ख्वाहिशात पूरी कर सकूं। आप अपने बेटे को उसके हक से महरूम ना करें, वो इतनी बड़ी जायदाद का इकलौता वारिस है। हाँ, शहरयार भाई की औलाद होगी वारिस, और फिर अफ़ान भी कर ही लेगा शादी। तौबा है, आप इतनी बदगुमान क्यों हैं अफ़ान साहब से? इतने जिम्मेदारी से वो आपका ख्याल रखते हैं। मुनव्वर चले। बुलाया मैंने अफ़ान को, करती हूँ बात उससे। क्या बात है मम्मी, आपने बुलाया मुझे? क्या करती फिर रही है तुम्हारी बीवी, घर में सुकून से बैठा नहीं जा सकता उससे? क्या हो गया मम्मी? अगर वो कॉलेज से अपने घर चली गई है तो उसमें क्या बुराई है? कब तक वो इसी तरह स्टूडेंट बनी फिरती रहेगी? मम्मी, कुछ दिनों बाद उसके एग्जाम्स हैं, और एग्जाम्स खत्म होने के बाद या यूनिवर्सिटी या कॉलेज खत्म होने के बाद भी वो घर तो नहीं बैठेगी ना। वो एक आर्टिस्ट है, काम करेगी, और वो भी अपनी मर्जी से। एक्चुअली वो आप ही के नक्शे कदम पे चलेगी, दुनिया आप ही की तारीफ करेगी। मम्मी, मुझे लगता है अफ़ान ठीक ही कह रहा है। तुम्हें क्या होता जा रहा है शहरयार? मैं देख रही हूँ बदल रहे हो तुम। मेरी एक बात याद रखो, अगर एमल को वापस लाने के ख्वाब देख रहे हो ना तो वो भूल जाओ, तलाक दो उसे, बांझ है वो, बंद करो ये चैप्टर। फाइनल असाइनमेंट है, बस दुआ करो कि अच्छा जीपीए मिल जाए।
तुम्हें क्या जरूरत है? इतना अच्छा शौहर है, इतना बड़ा घर है, मजे करो। और मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि पढ़ाई का शौहर और घर से क्या ताल्लुक है। भाई अगर मुझे ऐसा घर और ऐसा शौहर मिल जाए ना, तो मैं तो यूनिवर्सिटी सर का पानी बिल्कुल नहीं आऊंगी। कितने अफसोस की बात है। अरे खुशकिस्मत हो तुम कि तुम आजाद घूम रही हो, फिर भी तुम्हें कदर नहीं है। क्यों, तुम खुश नहीं हो? किसने कहा कि मैं खुश नहीं हूँ? मैं बहुत खुश हूँ। अफान भाई से लड़ाई हो गई क्या? हमारी दोस्ती कब थी? हमारे दरमियान तो बस एक रिश्ता ही है, शायरी से ज्यादा कुछ भी नहीं। और मोहब्बत? अभी तक दोस्ती नहीं हो सकी तो मोहब्बत तो बहुत दूर की चीज है। पर मुझे तो लगा अफान भाई तुमसे बहुत मोहब्बत करते हैं, तभी तो फैमिली से लड़कर शादी की है। तो अब क्या हुआ? क्या हम किसी और मौजू पे बात कर सकते? चलो नहीं करते, लेकिन तुम अफान भाई से जरूर बात कर लेना इस बारे में। मियां बीवी में गलत फहमियां नहीं होनी चाहिए। जी जी महरीन साहिबा, मैं बिल्कुल बात करूंगी, जैसा आप कह रही हैं बिल्कुल वैसे ही होगा। अब हम कुछ खाने के लिए मंगवा, फिर लेट हो जाएंगे, क्लास भी स्टार्ट हो जाएगी। चलो बताओ क्या खाना है। हाँ सही कह रही हो, कुछ ऑर्डर कर लेते ना, क्लास भी शुरू होने वाली है। मेरी शदीद मोहब्बत भी उसके दिल को अपनी चाहत में नहीं खींच सकी। वो तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहती, तो क्यों क्यों जबरदस्ती बांध रखा है तुमने अपने साथ उसे? छोड़ क्यों नहीं देते? नहीं नहीं, मैं नहीं छोड़ सकता उसे, आदी हो चुका हूं उसका, हर पल सिर्फ उसको देखना चाहता हूं। बेशक वो मुझसे दूर है, लेकिन मुझे छोड़ के ना जाए। तुम शायद अफान भाई की मुंतजर थी। और ये तुम्हें किसने कहा? तुम्हारे चेहरे की मायूसी बता रही है। फजूल बातें मत किया करो। तुम्हारी शादी के बाद तुम जब से कॉलेज आई ना, वो खुद तुम्हें लेने आते हैं। कदर करो उनकी, कहीं वो दूर चले गए ना तो बहुत पछताओगी। अच्छा और वो कहाँ जाने वाला है? जब इंसान को मुसलसल इग्नोर किया जाए तो बेजार होके वो रास्ता बदल लेता है। तुम मुझे डरा रही हो? नहीं, समझा रही हूँ। ठीक है, अगर वो बदलना चाहता है तो शौक से बदल। और वैसे भी वो अपनी मर्जी से मेरी जिंदगी में दाखिल हुआ था, मैंने उसे नहीं कहा था। बहुत ही नाशुक्री हो वैसे तुम। महरीन मेरे पास अब कुछ नहीं बचा, अगर कुछ बचा है तो वो सिर्फ मेरी अना है। कम से कम उसे तो मेरे पास ही होंगे। चलो मैं तुम्हें ड्रॉप कर देती हूँ। हाँ ठीक है, मैं भी निकलती हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम बेटा। अच्छा हुआ तुम आ गए, मैं तुम्हें अभी फोन ही करने वाला था। जी बाबा, आज थोड़ी सी देर हो गई। अरे बेटा तुम ऐसे करो, तुम जाकर मुंह हाथ धो लो, अम्मी तुम्हारी चाय बना रही हैं, तो फिर बैठकर आराम से चाय पीते हैं, ठीक है? अगर तुम खफा हो तो इसका हरगिज ये मतलब नहीं है कि तुम सबके सामने जताते फिरो। मैं किसी से खफा नहीं हूँ। अच्छा अगर मूड ठीक है तो सलाम का जवाब क्यों नहीं दिया? क्यों मुंह बनाया हुआ है? मेरा मुंह बिल्कुल ठीक है। अगर तुम्हारा मूड खराब ही था तो यहाँ आने की क्या जरूरत थी, बताते। अम्मी बाबा देखेंगे बिला वजह, वो भी परेशान हो गए। तो फिर ठीक है, चला जाता हूँ। वैसे भी मैं अंकल के कहने पे यहाँ आया था।
एमल पिक अप द फोन। प्लीज फोन उठाओ यार, प्लीज हेमल, प्लीज पिक अप द फोन यार। हेमल मुझे बात करनी है तुमसे। कैसे बताऊं तुम्हें कि तुम्हें कोई फॉल्ट नहीं है। तुम तो मां बन सकती हो, लेकिन मैं बाप नहीं बन सकता। तो ये है आपकी हकीकत। तुम कब आई हो पाए? मुझे पहले ही शक था कि आप बाप नहीं बन सकते, इसलिए मेरे बार बार कहने के बावजूद आप टेस्ट नहीं करवा रहे थे, क्योंकि आप तो अपनी हकीकत जानते थे। शायद एमल भी इसीलिए वापस नहीं आ रही है ना। किस्मत भी क्या खेल खेलती है। खाला को कितना नाज था अपने बेटों पर, और आप तो बिल्कुल। सोचे जरा, खाला को जब इस हकीकत का पता चलेगा तो वो क्या सोचेंगी आपके बारे में। खबरदार है, अगर तुमने कोई ऐसी वैसी हरकत की तो मैं तुम्हें जान से मार डालूंगा। मर तो जाऊंगी मैं, लेकिन जीते जी आपको भी जिंदा दफन करके जाऊंगी, क्योंकि आपके साथ शादी करके जिंदगी मेरी भी बर्बाद हुई है। लेकिन अब ये इल्जाम अपने सर नहीं लूंगी मैं, समझे आप? आयमा, आयमा प्लीज। तुम दोनों खुश तो मुझे कहीं से भी नहीं लग रहे हो। ऐसे सही बात है, दूसरों की जिंदगियों को मुश्किल में डालकर इंसान खुद भी मुश्किल में ही रहता है। शायद ये भी एक मकाफात ही है। सुन लिया अपने कानों से, तुम्हारी बिना वजह नाराजगी की वजह से ना दूसरों को बोलने का मौका मिल जाए। तुम्हें लगता है कि मैं तुमसे बिना वजह नाराज हूँ? ये तो तुम खुद से पूछो ना। पता नहीं है आखिर कब तक तुम मुझसे बेखबर रहोगी। अब अपना मूड ठीक करो और सबके साथ जाकर बैठो। अफान, सुबह से निकली है तुम्हारी बीवी तैयार होकर, ना घर का पता है ना घर की जिम्मेदारियों का, और इस वक्त वापस आ रहे हो तुम दोनों।
अरे भैया क्या तमाशा लगा रखा है? क्या हो क्या गया मम्मी? मैं एनी को लेके शफीक अंकल के घर गया था, वहां पे हम चाय के लिए बैठ गए और कौन सी भी थी रात हो गई है जो आप इस तरह की बातें कर रही हैं? अभी तो सिर्फ 8 ही बजे हैं। अरे भाई ड्राइवर को भी तुमने उसका पाबंद कर रखा है और खुद भी उसकी ड्राइवरी कर रहे हो, ये खूब है। मम्मी ड्राइवर को मैंने काम से भेजा था, अब आप खुद ही बताएं, एनी और उमर क्या कैब में आते? मैं ही लेके जाता ना उन्हें। और प्लीज इन सब चीजों में पढ़ने के बजाय शहरयार पे फोकस करें, उसके मामलात को देखें, क्योंकि वो एमल भाभी को तलाक तो देगा नहीं। अच्छा तो इसलिए चक्कर लगाए जा रहे हैं ससुराल के? शहरयार का घर तो बस चुका है आयमा के साथ, और रही बात एमल की, तो उसके तलाक के कागजात तैयार करवा रही हूं मैं।